हाय एवरीवन, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कपड़े के पैड को अंडरवेयर पे कैसे पहने। काफ़ी लोग हैं जो न्यू हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, जिन्होंने कपड़े का पैड पहले कभी यूज़ नहीं किया है, और मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि कपड़े का पैड पैंटी पे कैसे पहन सकते हैं। कपड़े के पैड काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, या आप घर पे खुद भी बना सकते हैं। तो मेनली इनमें दो तरह के स्टाइल्स आते हैं। एक है जिसमें ऑल इन वन बोलते हैं हम, कि एक ही पीस में होता है, इसी के अंदर कपड़े की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपके पीरियड फ्लो को, पीरियड के ब्लड को। और दूसरा स्टाइल होता है जिसमें एक होल्डर अलग से आता है और कपड़ा अलग से आता है। तो मैं आपको दोनों बारी बारी दिखाऊंगी कि इसको अपने अंडरवेयर पे पैंटी में कैसे लगाएं। तो पहले हम ये रेडी टू यूज़ स्टाइल है, ये देखते हैं। आप जब अंडरवेयर के लिए, आप जब क्लॉथ पैड खरीद रहे हैं या खुद से बना रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी पैंटी है उसका ये एरिया का जो विड्थ है वो आपके क्लॉथ पैड की विड्थ से मैच करना चाहिए, नहीं तो पैड लीक कर सकता है, या आपकी पैंटी अगर पतली है या मोटी है तो बीच में इकट्ठी हो जाएगी और यूज़ करने में ज़्यादा आसानी नहीं रहेगी। तो आप चेक करिए कि ये विड्थ कितनी है। क्लॉथ पैड जब खरीद रहे हैं, साइट पे उसका साइज़ दिया होता है, हाइजीन एंड न्यू पे एक कंपैरिजन चार्ट भी है जिसमें हर कंपनी हर ब्रांड के पैड की विड्थ और लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई हैं, तो आप उससे देख कर ही खरीदें। तो आपका ये अंडरवेयर है और ये क्लॉथ पैड है, तो इसमें आप इस एरिया में, क्रॉच एरिया में पैड को लीजिए। पैड में ध्यान रखिए कि आप सही साइड को ऊपर की तरफ रखें, जहाँ लेबल होता है वो पीछे की साइड है, और पीछे की साइड पे अंदर प्लास्टिक डला रहता है ताकि आपका पैड पे जब ब्लड अंदर चला जाए वो लीक ना करे। और जो सामने की साइड है, ऊपर की साइड है, उसके वहाँ पर काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं कपड़े के, जो एब्जॉर्बेंट लेयर होते हैं, जो सारा खून और आपके मासिक खून को एब्जॉर्ब करता है। तो सही साइड को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी टॉप साइड है, हम इसे ऊपर रखेंगे और ये वाली पैंटी के साथ जाएगी, तो इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। फिर आप पैंटी को ऐसे घुमा लें और पीछे से ये जो विंग्स हैं इसका बटन बंद कर दें। जो बाज़ार का सैनिटरी नैपकिन होता है उसमें विंग्स में ग्लू होती है, आप उसको चिपका देते हैं, इसमें आपको ये बटन बंद करना है। तो ये बटन बंद कर दिया मैंने, और अब आप अपने पैंटी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कैसे है। और अब ये बाहर से ऐसे दिखेगा, ये विंग्स ऐसे दिखेंगे और अंदर से ऐसे रहेगा। और आपकी पैंटी रेडी है, आप इसे पहन सकते हैं। उतारते टाइम या जब पैड फुल हो जाए, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो बस आपको पीछे से ये बटन खोलना है और पैड निकाल लीजिए। आप इसको धो सकते हैं, या अगर आप अभी नहीं धोने वाले, थोड़ी देर में धोएंगी, तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे और ऐसे रख सकते हैं। तो जब फोल्ड हो जाए तो फिर ये बटन्स वापस लगा दीजिए, तो आपका पैड ऐसे बंद रहेगा और ब्लड इसके अंदर ही रहेगा, कहीं लीक नहीं करता, वो सूख चुका है, एब्जॉर्बेंट लेयर के अंदर रहेगा। आप लीक प्रूफ बैग जो इनके साथ में मिलते हैं, या कोई भी जिप लॉक प्लास्टिक का बैग लेकर उसमें इसको संभाल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा स्टाइल, जो होल्डर और अलग से कपड़े के साथ दो पीसेस में आता है, उसका भी दिखा देती हूँ कि कैसे पैंटी में लगाना है। तो ये आपका इंसर्ट कपड़ा मिलता है पैड के साथ, तो आप इसको फोल्ड करें तो फोल्ड होकर ऐसे दिखेगा। और ये आपका होल्डर है जिसमें सामने ऐसे ये पॉकेट्स होती हैं, तो इन पॉकेट्स में ये इंसर्ट जाता है। मेरे पास अभी शमोता का पैड है, मैं उसके साथ दिखा रही हूँ। इस तरह का उगेर का भी पैड आता है जिसमें आप इंसर्ट अलग मिलते हैं और होल्डर अलग मिलता है, तो ये इसके अंदर डल गया। और अब आप इसको उसी तरह से अंडरवेयर पे लगा सकते हैं। तो ये अंडरवेयर लिया, इसके ऊपर ये रखा सामने से, और फिर दूसरी तरफ से विंग्स बंद कर दिए। तो आप इधर यहाँ पे
ये विंग्स को बंद कर सकते हैं वही स्नैप बटन पे, ये बंद हो गया। तो इस तरह से यहाँ से दिखेगा और अंदर से ऐसे दिखेगा।